तो क्या चल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और हाँ दोस्त, आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं वन प्लस 10T के बारे में, जिसे लॉन्च होने में अब कितना वक्त बचा है ये बात भाई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लॉन्च हो जाने से पहले भाई एक लास्ट वाली वीडियो मेरी देख लो, क्योंकि हाँ दोस्त मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट पता लगी गई होंगी इस फोन के बारे में, पर फिर भी कुछ चीजें रह भी गई होंगी। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी, और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं और ऋषभ, आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्त, जिन भाइयों को वन प्लस 10T के डिजाइन के बारे में नहीं जानकारी है, तो भाई आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहे इन रेंडर्स की तरफ नजर डालो। दिखने के मामले में दोस्त वन प्लस 10T कुछ आपको ऐसा नजर आ जाएगा, और जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, बैक साइड से यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें चेंज नहीं की गई हैं। अगर इसे मैं वन प्लस 10 प्रो से कंपेयर करूं तो बस हाँ कैमरा प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क है। फ्रंट साइड से जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, जो डिस्प्ले होने वाली है वो इस फोन के साथ एकदम फ्लैट होने वाली है एज कम्पेयर टू कर्व स्क्रीन जो कि हमने वन प्लस 10 प्रो के साथ देख रखी है। तो हाँ दोस्त देखो, ये तो हो गई डिजाइन की बात, और डिजाइन से याद आया आप वन प्लस के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। इस फोन के साथ आपको वो वन प्लस का ट्रेडिशनल अलर्ट स्लाइडर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला। अब ऐसा क्यों नहीं होने वाला है भाई, इस बारे में मुझसे मत पूछो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी वालों ने खुद इस बात को कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा सा स्पेस में लोचा हो रहा था इस फोन के साथ, तो इस वजह से इन्हें इस चीज को हटाना पड़ गया। खैर असलियत तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वेल, अब बातें कर लेते हैं उस चीज के बारे में जो कि बिल्कुल एकदम ताजी निकल के आई है इस फोन के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन प्लस 10T के साथ यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है उसे यहाँ पे कंपनी ने ऑफिशियली अनवील कर दिया है, जो कि होने वाली है 4800 mAh की एज कम्पेयर टू 5000 mAh जो कि हमने ऑलरेडी वन प्लस 10 प्रो के साथ देख रखा है। तो 200 mAh का यहाँ पे रिडक्शन इस फोन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। अब वैसे इस काम के पीछे कंपनी का ये कहना है कि ऐसा जानबूझ के किया गया है ताकि चार्जिंग स्पीड को तेज रखा जाए इस फोन के साथ। और जहां तक बात आती है चार्जिंग स्पीड की, तो भाई साहब इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि कुछ सिलेक्टेड रीजन में इस फोन के साथ आपको 165 वाट की वूक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि सच में भाई ये काफी कमाल की बात है, और इससे पहले हमने किसी भी वन प्लस फोन के साथ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिली है। और हाँ दोस्त, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, वन प्लस वालों ने इस चीज को एडवर्टाइज भी किया है कि 10 मिनट के अंदर आपका जो फोन है वो पूरे दिन की बैटरी बैकअप देने वाला है। अब वैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फोन है वो ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया के अंदर भी जो फोन लॉन्च किया जाएगा वहां पे आपको 150 या 60 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। कम से कम यहाँ पे आपको 125 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इंडिया के अंदर लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। ज्यादा मिल जाए तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि इस बात की कन्फर्मेशन खुद वन प्लस ने कर दी है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो वेरियंट लॉन्च किए जाएंगे वन प्लस 10T के, वहां पे आपको 125 वाट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो कम से कम आप लोग इतना एक्सपेक्ट करना है इस फोन के साथ। बाकी ये जो चार्जर है वो हाँ दोस्त आपको इस फोन के साथ बंडल करके दे दिया जाएगा। और रही बात अगर बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो वन प्लस 10T के बारे में मैंने भाई पहले भी काफी सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप लोग जाके उन्हें डिटेल्स में देख सकते हो। बाकी एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि हाँ दोस्त वन प्लस 10T भाई साहब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen+1 के सपोर्ट के साथ आने वाला है, जहां पे आपको 12 GB की LPDDR5X वाली रैम का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्त कैमरास की जहां तक बातें आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फोन के साथ आपको प्राइमरी 50 MP का सोनी का लेटेस्ट इमेज सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 2 MP का माइक्रो लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहा है यहाँ पे वन प्लस। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ दोस्त इस फोन के साथ बेसिकली आपको एक 6.7 इंचेस की क्वाड HD रेजोल्यूशन वाली LTPO डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑफकोर्स कितनी कमाल की है ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने काफी सारे वन प्लस के फ्लैगशिप फोन्स के साथ इसे देख रखा है। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो हाँ दोस्त, मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें कवर कर दी वन प्लस 10T के बारे में जो कि अभी तक निकल के आई थी हम सबके सामने। आने वाले टाइम पे अगर कुछ नया निकल के आता है लॉन्च से पहले, तो उस चीज के लिए भी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी भाई इसी चैनल पे, और उसके लिए करना पड़ेगा आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे चिपकाना पड़ेगा लाइक। और चलो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।